नोएडा पुलिस ने लगभग एक साल पहले हुई चोरी का माल बरामद किया है। चोरी करोड़ों की हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि करोड़ों का माल बरामद होने के बावजूद भी इसे कोई अपना नहीं मान रहा। ये अजीबोगरीब मामला क्या है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एक तरफ सोने के बिस्किट्स हैं, दूसरी तरफ नोटों की गड्डियां। खाकी वर्दी वालों ने करोड़ों का माल बरामद किया है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चोरी का ये माल बरामद होने के बावजूद भी कोई इसे अपना मानने वाला नहीं है। दरअसल मामला लगभग एक साल पुराना है। नोएडा के सूरजपुर की एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट से शातिर चोरों ने हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की चोरी की थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस मामले में किसी ने पुलिस से चोरी की शिकायत नहीं की। बताया जा रहा है कि चोरों ने जिस माल पर हाथ साफ किया वो सारा का सारा काला धन था। चोरी का माल पुलिस ने उस वक्त बरामद किया जब चोरी की वारदात के महीनों बाद चोरों के बीच पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। इस बात की भनक नोएडा पुलिस को लगी और फिर एक के बाद एक छह चोरों को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया और फिर मामले का खुलासा हो गया। पकड़े गए आधा दर्जन चोरों के पास से लगभग 14 किलो सोना, 57 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस को दूसरे अन्य आरोपियों की तलाश है। फिलहाल नोएडा पुलिस इस मामले की जानकारी ईडी और आयकर विभाग के साथ भी साझा करने वाली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।